Hello and welcome. You're watching CNN News 18. I'm Grihathul Siddiqui. Now, the Delhi excise policy case has exploded as the Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia has been summoned by the Central Bureau of Investigation tomorrow at 11 a.m. Reacting to the latest summons, Sisodia said that nothing was found in CBI raids earlier, but he will offer full cooperation to the investigative agency. Meanwhile, Arvind Kejriwal has defended Manish Sisodia, saying that the jail bars and hanging noose could not deter Bhagat Singh's lofty intentions. He also went on to add that this is the second fight for freedom, and Manish Sisodia and Satendra Jain are today's Bhagat Singhs. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को कल सीबीआई ने बुलाया है और कल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को केंद्र सरकार की सीबीआई गिरफ्तार करेगी। अब तक सीबीआई ईडी कम से कम 500 अलग अलग जगहों पे छापे मार चुकी है, कम से कम 500 अलग अलग जगह। मनीष जी के यहां 14 घंटे सीबीआई रही, सुबह से शाम तक मनीष सिसोदिया जी की पूछताछ की गई। तो अब हम सब लोग समझ रहे हैं कि कल जो मनीष जी को गिरफ्तार किया जा रहा है उसका लेना देना एक्साइज से नहीं है, उसका मामला गुजरात चुनाव का है। देश के काला धन को लाने के लिए, गरीबों पर खर्च करने के लिए मोदी जी आए हैं। ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मोदी साहब आए हैं और इन्होंने करोड़ों का घोटाला लीकर पॉलिसी में किया है। ये स्टिंगों में आ गए, ये पैसे देने वालों ने माना है। अब वो कहता है मेरे घर कुछ ही नहीं मिला, वो लालू के तबेले में काम करता था क्या? वो पढ़े लिखे लोग है, केजरीवाल एडिशनल कमिश्नर रहा है, उसको मालूम है वकीलों से पूछकर पैसा कहाँ रखना है। अब ये गिरफ्तार होगा तो ही बताएगा पैसा कहाँ रखना है। दिल्ली बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता जी इसका ज्वाइनिंग अस ऑन सीएनएन न्यूज 18। सर, मनीष सिसोदिया जी को कल 11 बजे सीबीआई ने बुलाया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि इतनी छानबीन हो गई लेकिन सिसोदिया जी के यहाँ से कुछ नहीं मिला, दूसरी तरफ कल दोबारा 11 बजे बुलाया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जैसे जैसे जांच की आगे प्रोसीजर बढ़ रहा है वैसे सारे खुलासे सामने आ रहे हैं और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। हजारों करोड़ रुपए कोई दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार शराब माफिया से मिलकर दिल्ली के रेवेन्यू के साथ वो चोरी करती है, शराब माफिया को वो पैसा देते हैं और ये घोटाला किया, दिल्ली की जनता की जेब से डाका डाला है, दिल्ली की सरकार की चोरी की है और उस घोटाले में वो आरोपी नंबर वन है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, वो स्वयं शराब मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार का ये मॉडल जो भ्रष्टाचार का मॉडल निकला है, जो लोग पहले कहते थे हम तो अन्ना हजारे के साथ शराब की दुकानें खुलने नहीं देंगे, वो लोग शराब की दुकानें भी खोली और उन्होंने घोटाले भी किए हैं और अब जब सीबीआई ने उनको सम्मन किया है तो बहुत सारी जांच जो बढ़ रही है वो सही दिशा में बढ़ रही है। इससे पहले 3 लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं और लोगों ने स्टिंग देखा है कि किस तरह से स्टिंग ऑपरेशन में सारी बातों को खुलासा किया, इन्होंने कैसे शराब माफिया को एल्बन को 2% से 12% कमीशन किया, कैसे ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को ठेके दिए, कैसे उन्होंने शराब माफिया की शराब बिक्री ज्यादा हो ड्राई डे की संख्या घटाई, ये सारी बातें आज जनता के सामने हैं और बस अब उसकी कानूनी प्रक्रिया जारी है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे खुल रही है घोटालों की कड़ी वैसे वैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के नजदीक आ रही है हथकड़ी। आम आदमी पार्टी इस चीज को गुजरात चुनावों से लिंक करके दिखा रही है। देखिए, चुनाव और इसका कोई संबंध नहीं। अगर आपने चोरी की है, अगर आपने अपराध किया, अगर आपने घोटाला किया है तो उस घोटाले की सजा मिलनी तय है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन जनता अब ये जान गई है कि अरविंद केजरीवाल माने भ्रष्टाचार, मनीष सिसोदिया मतलब भ्रष्टाचार, बेईमानी और घोटाला और झूठ और प्रोपेगंडा की सरकार है दिल्ली में आम आदमी पार्टी। केजरीवाल तो इसको डिनोट कर रहे हैं उस सीट से, भगत सिंह से कह रहे हैं, वो भी फांसी पे चढ़े थे, ये भी चढ़ जाएंगे, क्या हो गया? देखिए,
शहीद आजम भगत सिंह के नाम को बीच में लाना ये एक बहुत बड़ा उनका अपमान है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बेईमानी भ्रष्टाचारी के प्रतीक बन गए हैं, अहंकार प्रोपेगंडा उनका मुख्य पेशा हो गया है और वो भ्रष्टाचारी के नाते वो बेईमानी के नाते उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आपका खाता भी नहीं खुलेगा। उनका कहना है कि सीबीआई अगर इतनी ही निष्पक्ष है तो अब तक के घोटालों के मामले में क्या किया सीबीआई ने? बीजेपी के राज्य में सीबीआई क्या काम कर रही है आखिर, किस तरीके से काम? सीबीआई ने बहुत ही सोच समझ के जगह जगह छापे मार करके साक्ष्य जुटाए हैं और मुझे लगता है कल मनीष सिसोदिया के आपराधिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन होगा कि यह सरकार जो केजरीवाल जी की सरकार रही उस सरकार ने किस तरीके से यहां पर घोटाले पे घोटाला किया है। आज केजरीवाल की सरकार घोटालों की सरकार बन गई है। केजरीवाल तुमने दिल्ली का किया बेहाल और तुम्हें अब जाना होगा और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को आना होगा, इस बात की हमको तैयारी। कहते थे मैं शराब बंदी करूंगा, मैं शराब बहुत बुरी चीज है, शराब पीना बुरा है। सरकार में बैठे तो एक्साइज पॉलिसी बना करके बस मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है? गुजरात में हार का डर इतना सता रहा है, रातों की नींद हराम हो गई है भाजपाइयों की। उनके पास एक काम है सिर्फ, कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं का उत्पीड़न करना है, जेल में डालना है। मैं बीजेपी के नेताओं से साफ तौर पे कहना चाहता हूं, तुम्हारी इस हताशा में की गई कार्रवाइयों से, ये जेल में डालने से आम आदमी पार्टी के नेता डरने और रुकने वाले नहीं। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है गुजरात में और गुजरात का चुनाव हम लोग जीतेंगे। Joining me live is my colleague Anshul on the broadcast. Anshul, this is a unanimous argument that is being made by the Aam Aadmi Party. All right, I'm told that MC2 have lost that link with my colleague Anshul. We'll try and re-establish that connection. However, this war of words, like we've just been putting out for you, continues as this entire Delhi excise policy case has exploded and how there are fresh summons for the Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. In this case, he is asked to appear before the Central Bureau of Investigation tomorrow at 11 a.m. And after that, we've seen a spate of press conferences by the Aam Aadmi Party. Another one is continuing, and this one is presided over by Atishi of the Aam Aadmi Party. Let's take a look at that. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा एक नोटिस आया है। कल सुबह 11 बजे मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई बुलाया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल जब मनीष सिसोदिया जी सीबीआई जाएंगे तो उनको वहां पर सीबीआई में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया जी ने एक्साइज पॉलिसी में हजारों करोड़ का घोटाला किया। वो कभी कहते हैं 1.5 लाख करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 8,000 करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 10,000 करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 30 करोड़ का घोटाला किया। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि अगर आप कहते हो कि मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया तो आप उस घोटाले का एक सबूत हमारे सामने रख दो।